वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको मूली का फ्रेश अचार बनाना बताऊंगी, जिसको बनाने में हमें 5 मिनट से भी कम टाइम का समय लगेगा। झटपट हम इसे बना कर खा सकते हैं। खाने में भी अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। जरूर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 मूली ली है, कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मूली को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। अब इसके हमें छिलके हटाने हैं, पिलर की हेल्प से हमें छिलके हटाने हैं। तो चलिए अब हम छिलके हटा लेते हैं। इस तरह देख के बड़ी आसानी से छिलके निकल जाते हैं। सारी मूली के छिलके हम इस तरह निकाल देंगे। ये देख के बड़ी आसानी से निकलते हैं। अब हमें मूली को किसना है, तो इसके आधे का जो पार्ट है हम हटा देंगे इस तरह। इस तरह हमें मूली को कद्दूकस करना है। बड़ी आसानी से मूली कद्दूकस हो जाती है। ये देखिए सारी मूली को हमें इसी तरह करना है। इस तरह मैंने सारी मूली को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस की गई मूली को हम एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। मूली को मैंने एक बोल में डाल दिया है। तो चलिए अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून हम लेंगे नमक, वो इसमें हम ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया अमचूर पाउडर, तो 1 टीस्पून हम डालेंगे अमचूर पाउडर। 3 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया लाल मिर्च पाउडर, ये हम ऐड करेंगे। अचार चटपटा हो खाने में तब भी अच्छा लगता है। यदि आप चटपटा कम खाना पसंद करते हैं तो मिर्च आप कम डालें। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया हल्दी पाउडर, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और एक बार सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मूली को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करने के लिए हम तेल गरम करेंगे। गैस पे मैंने पैन रखा है और 2 से 3 टीस्पून मैंने इसमें तेल ऐड किया है। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो तेल आप खाते हैं वो। मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है। तेल अच्छा गर्म हो जाए फिर इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ग्रीन सौंफ लिया, ये इसमें मैं डालूंगी। 1 टीस्पून में इसमें कलौंजी डालूंगी, इसे हम काला जीरा भी बोलते हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। गैस के फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। 2 पिंच हम लेंगे हींग, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये गरम किया हुआ तेल हम अचार के अंदर ऐड करेंगे। सभी को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मूली का टेस्टी अचार बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। इसको बनाने में हमें बहुत ही कम समय लगा है, 5 मिनट से भी कम टाइम का हमें समय लगा। अचार बनाते समय हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जब हम अचार बनाए तभी हमें मूली को कद्दूकस करना है। पहले से कद्दूकस करके हमें नहीं रखना है। यदि हम पहले से कद्दूकस कर देंगे तो मूली अपना पानी छोड़ देती है। इस तरह ताजा और फ्रेश अचार बनाकर आप खाइए। उम्मीद है आपको जरूर मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूले। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।